नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश स्फूर्ति आहार किचन में आज आपके लिए एक स्वीट रेसिपी लेके आया हूँ जो नागपुर की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो चलिए हम लोग बनाने जा रहे हैं आज नागपुर ऑरेंज बर्फी। इसके लिए लगने वाली सामग्री है 1/4 कप मावा खोया, 1 कटोरी चीनी, 4 संतरे, मैंने यहाँ फ्रेश ऑरेंज लिए हैं, 1 गीला नारियल। सबसे पहले हम लोग संतरे का जूस निकाल लेंगे। देखिए मेरे पास हैंड जूसर है और मैं संतरे कट कर रहा हूँ। मैं इन संतरों का हैंड जूसर से घुमाकर रस निकाल रहा हूँ। आपके पास यदि हैंड जूसर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक जूसर से भी निकाल सकते हैं, और यदि वो भी नहीं है तो हाथ से आप निचोड़ के संतरे का जूस निकाल सकते हैं। अभी हमने संतरों का जूस निकाल लिया है। मैंने यहाँ पे एक पैन लगाया है, गैस ऑन करके मैं ये संतरे का जूस छान के डाल रहा हूँ ताकि उसमें भिजे ना जाए, और हम लोग इसे गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। अभी हम लोग 4 चम्मच चीनी डालेंगे इस जूस के अंदर। हम लोगों के संतरे के जूस में उबाल आने के बाद हम लोग 1 पिंच ऑरेंज कलर डालेंगे। यह ऑप्शनल है, आप यदि नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालेंगे। हम गैस ऑन करके एक पैन लेंगे, उसमें मावा डालेंगे और धीमी आंच पर इसे 3 से 4 मिनट तक घी छूटने तक और सुनहरा होने तक पकाएंगे। मेरे पास यहाँ पे नारियल कद्दूकस करने की हैंड मशीन है। देखिए उसमें बिल्कुल जो पीछे वाला काला छिलका है जाएगा नहीं। आपके पास यदि यह मशीन नहीं तो आप नारियल का काला हिस्सा ऊपर का निकाल के मिक्सी में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 नारियल कद्दूकस कर लिया है। देखिए हमारा मावा कितना अच्छा सुनहरा हुआ है, उसने घी भी छोड़ दिया है, वो अच्छी तरह से पक गया है। हम लोग एक बाउल में इसे निकाल लेंगे। एक पैन में हम लोग कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे और उसमें 2 कप दूध डालेंगे। मेरे पास यहाँ पे गाढ़ी गाढ़ी मलाई है, वह मैं डाल दूंगा, आप भी मलाई डालेंगे, इससे हमारी बर्फी बहुत ही अच्छी बनती है। यहाँ देखिए हमारा नारियल अच्छे से पक रहा है। अभी हम लोग इसमें चीनी डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर पकाते रहेंगे, तो जब तक इसका पानी ना सूख जाए तब तक पकाते रहें। हम लोग 5 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे। अभी देखिए हमारे नारियल से पूरा पानी सोख हो गया, हमने जो मावा भूंज के रखा था वह डाल देंगे। अभी हम लोग 1 मिनट तक इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारा ऑरेंज जूस भी गाढ़ा होकर तैयार है। अभी हम लोग इस मिश्रण में यह ऑरेंज जूस डाल देंगे और इसे पूरे मिश्रण को अच्छे से मिलाते रहेंगे। मैंने यह पूरी सामग्री अच्छे से मिला दी है, इसमें कुछ भी पानी नहीं रहा है, एकदम से ये ड्राई बना है और अच्छे से पका है। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अभी हम लोग एक प्लेट में निकालेंगे और इसे चपटा बना के एक ठंडी जगह पर रखेंगे। आप फ्रिज में भी सेट करने के लिए रख सकते हैं। अभी आधे घंटे बाद हमारा यह बर्फी का मिश्रण सेट हो चुका है। मैं इसे कट कर रहा हूँ, मैं इसे डायमंड शेप में कट कर रहा हूँ, आप इसे स्क्वायर में भी कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से यह कट हो रहा है। अभी हमारी नागपुर की फेमस ऑरेंज बर्फी वर्ल्ड विख्यात है नागपुर में, तैयार है। आप घर पे इसे जरूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें, और यहाँ पर व्रत में भी ग्रहण कर सकते हैं। देखिए सदाबहार हमारी ऑरेंज बर्फी कितनी अच्छे से दिख रही है। धन्यवाद दोस्तों।